लेडीज एंड जेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं बात करूंगा अपने एक बड़े अलग से एक्सपीरियंस की जो 2015 में मैंने फील करा। तो 2015 में मैं जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करा था, मैंने एग्ज़ाम दिया, तो यूपीएससी ही एक और एग्ज़ाम कराता है सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट्स का। तो सीएपीएफ इज़ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और उसमें असिस्टेंट कमांडेंट्स लेवल पोजिशन के लिए सीएपीएफ यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और सारी प्रोसेस यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो जस्ट टू मेक इट क्लियर, सीएपीएफ्स आर लाइक इट्स अ कम्बाइंड टर्म फॉर सम फोर्सेस विच आर सीआरपीएफ, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जो इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया देखती है, कंट्रोल्ड बाय ऑल दीज फोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नंबर टू बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को गार्ड करती है। देन नंबर थ्री सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पीएसयूज हैं या और जीओआई की बिल्डिंग्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, उनकी सिक्योरिटी देखती है। इवन कुछ कुछ बड़े बड़े जो प्राइवेट प्लांट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी सीआईएसएफ सिक्योरिटी देखती है। देन देर इज़ अ फोर्स कॉल्ड आईटीबीपी, विच इज़ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो उसका भी फंक्शन बीएसएफ वाला ही है, जस्ट दैट वो इंडिया चाइना वाले बॉर्डर को गार्ड करती है। और लास्टली एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, अगेन अ बॉर्डर फोर्स, और लेकिन वो इंडिया नेपाल के बॉर्डर को गार्ड करती है। तो ये जो फाइव फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इनको सीएपीएफ्स बोला जाता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो ये सारी एमएचए के अंडर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं है। तो इस इनको, सो दे आर नॉट टू बी कन्फ्यूज विद पैरामिलिट्री फोर्सेज। पैरामिलिट्री के अंदर आई थिंक इंडियन कोस्ट गार्ड आता है, असम राइफल्स आता है और मे बी एक दो और आते होंगे, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो मैं यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज की। तो रिटर्न जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस सेम होता है, जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम का होता है वही सिलेबस सीएपीएफ एसी एग्ज़ाम का होता है। तो रिटर्न में एक ही एग्ज़ाम होता है, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल स्टेजेस हो, प्री और मेंस हो सिविल सर्विस की तरह। इसमें सिर्फ एक ही फेज में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेंगे और आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। तो उसमें मैं कॉन्फिडेंट था और हुआ भी ये कि मेरे को शॉर्टलिस्ट आ गई फॉर द फिज़िकल एग्जामिनेशन, विच वॉज द सेकेंड फेज़। तो मैं फिज़िकली उतना फिट तो था नहीं उस टाइम और कभी भी नहीं रहा मोस्टली लाइफ में, और इट वॉज़ वेरी लाइक न्यू थिंग फॉर मी। मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करी फिज़िकल फिटनेस के लिए, बट मैं सस्टेन नहीं कर पाया। तो आई वॉज नॉट रियली प्रिपेयर्ड व्हेन आई वेंट टू द फिज़िकल एग्जामिनेशन। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन कैसे होता है कि हर रीजन में हर बैच ऑफ स्टूडेंट्स का, बैच ऑफ कैंडिडेट्स का अलग अलग फोर्स कराती है। सो फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों का बीएसएफ में हुआ, कुछ लोगों का सीआरपीएफ में हुआ, तो मेरे को सीआरपीएफ एलोकेट किया गया। तो सीआरपीएफ का एक कैंप है दिल्ली में ही नजफगढ़ के पास, झड़ौदा कलां गांव है छोटा सा, तो वहाँ पर सीआरपीएफ कैंप में मेरे को बुलाया गया कि सुबह सुबह आ जाओ फिज़िकल एग्ज़ाम देने। मैं पहुँच गया, फिर हम गेट से हमें अंदर नहीं जाने दिया कुछ टाइम तक, तो सब लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे अंदर जाने का। तो कुछ बातें भी होती हैं कैंडिडेट्स के बीच में, एस्पिरेंट्स के बीच में, तो सब डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अप्रोच करना चाहिए, कि किसकी कितनी प्रिपेयर्डनेस है। कई लोग जो है हाफ हार्टेडली आए थे, जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स थे मेनली, उन्होंने बस भर दिया ये एग्ज़ाम, दूंगा क्लियर हो गया। मैं भी अपने आप को उस कैटेगरी में मान सकता हूँ, बट मेरा पुलिस में जाने का काफ़ी इंटरेस्ट था उस टाइम पे लाइफ में, तो बट मैंने तैयारी नहीं करी थी फिज़िकल के लिए उतनी। तो फिर फाइनली हमें अंदर लेके गया जाया गया, फिर उनका एक इंटरनेशनल लेवल का एक ट्रैक है, तो वहाँ पर हमें लेके जाया गया। तो उसके फिज़िकल में तीन एक्टिविटीज़
चार एक्टिविटीज़ होती हैं, अब शायद चेंज हो गया, आई एम नॉट श्योर, बट चार एक्टिविटीज़ क्या थी, एक सबसे पहले 100 मीटर रेस, फिर उसके बाद 800 मीटर रेस, उसके बाद आपका लॉन्ग जंप, और फिर फाइनली शॉट पुट। तो यही सीक्वेंस में होना था। तो 100 मीटर में क्या रहता है कि आपको बस भागना है, और आपका 800 मीटर में भी और 800 मीटर के अंदर भी एक मैक्सिमम टाइम होता है जिसके अंदर आपको रेस पूरी करनी है। वो टाइम इज़ सफिशेंट अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी हो, लेट से अगर आप 1 मंथ भी अगर आपने थोड़ा डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करी हो तो आप इजीली क्लियर कर लोगे। मैंने वो भी नहीं करी थी, सो आई वाज आउट ऑफ शेप और प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। तो जब हम बात कर रहे थे एक दूसरे से, सब शुरू होने से पहले बातें होती हैं, राइट, तो कुछ लोग थे जिनका सेकेंड अटैम्प्ट था या थर्ड अटैम्प्ट था, कुछ लोगों का लास्ट अटैम्प्ट था, तो एक्सपीरियंस लोग थे। तो एक मेरे को बहुत अच्छा वहाँ पर बंदा मिला, तो उसने मेरे को बड़ी अच्छी बात बताई। उसने बोला कि प्रिपेयर्डनेस जो भी हो, अब वो सब हो चुका है, अब तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, अब तुम भी यहाँ पर हो, राइट हेयर राइट नाउ, ठीक है। अगर आपको अभी भी बाहर जाना है, आप बोल दो कि आई एम क्विटिंग, जस्ट गो, बट अगर आप अभी भी यहाँ पर हो तो इट मीन्स यू वॉन्ट टू डू इट, सो जस्ट डू इट। आप जब भाग रहे होगे, उसने मेरे को बोला कि जब तू भाग रहा होगा तब कुछ मत सोचियो कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, या मुझे सांस नहीं आ रहा, या मेरे पैर में दर्द हो रहा है, या मैं ये नहीं कर पाऊँगा, कुछ मत सोचो, जो मर्ज़ी हो तुम बस चलते रहो। अगर तुमसे भागा नहीं जा रहा तो जितनी भी स्पीड पे तुम कर पा रहे हो वो करो। उसने बोला था मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हेयर इज़ टू कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन पुशिंग, और उसने बोला ये करेगा तो हो जाएगा। और मैंने उसकी बात को, मैंने कहा ठीक है, ये तो ज्ञान वाली बात है। तो जब 100 मीटर शुरू हुआ, स्टार्टिंग के अंदर तो मैं बहुत तेज़ भागा, तो मैंने पूरी जान लगा दी। और जब आप पूरी जान लगा के ऐसे भागते हो ना, तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलता कि कहाँ टाइम चला गया, और जल्दी रेस पूरी हो जाती है। तो मैंने वो टाइम पे रेस पूरी कर ली 100 मीटर, इनफैक्ट मेरे पीछे भी कई लोग थे, बट जब मैं वहाँ पहुँचा, 100 मीटर पूरी करी, तो उसके बाद मेरी हालत बड़ी ख़राब हो गई। मेरे को हाइपर वेंटिलेशन काइंड ऑफ होने लग गया, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी और पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा था अचानक से, और धूप भी हो चुकी थी बहुत ज़्यादा उस टाइम तक, पसीने आ रहे हैं पूरे, डिहाइड्रेशन से भी होने लग गए, तो मेरी थोड़ी हालत ख़राब होनी शुरू हो गई। बट उन्होंने हमें थोड़ा रेस्ट करने का टाइम दिया, उसके बाद 800 मीटर रेस। तो फिर 800 मीटर के अंदर जब 800 मीटर शुरू हुई, तो जो उसके पहले 200 मीटर्स थे, आराम आराम से मैं जॉग कर रहा था, तो तब तक तो ठीक था, हो गया। फिर जैसे ही 400 मीटर के बाद मेरे को बहुत दिक्कत होने लग गई, दर्द होने लग गया काफ़ी ज़्यादा पैरों में, वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग गई, ठीक है, ऐसे लगने लगा कि बस गिवअप कर दूँ। किसी तरह मैं चलता गया। फिर जब मैं और हालत मेरी ख़राब हुई, तब मुझे उस बंदे की बात याद आई कि जस्ट डोंट गिव अप, जस्ट कीप पुशिंग, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, कम वर्ड में तू रेस को भूल जा, तेरे को बस चलना है। दैट थिंग मैंने सोचा नहीं था, बट दैट थिंग केप्ट मी गोइंग, दैट मोटिवेशन केप्ट मी गोइंग, एंड नॉट जस्ट फॉर दैट रेस, आई थिंक इन लाइफ दैट लेसन हैज़ हेल्प मी। तो मैं चला गया, बस मैं किसी तरह चल रहा था, मतलब जॉग कर रहा था थोड़ा बहुत, और सरप्राइजिंग बात यह कि मेरे पीछे भी कुछ लोग थे, और तो मेरे आगे बहुत सारे लोग थे बट मेरे पीछे भी कुछ लोग थे। तो क्या था कि जब हम लाइक 600 मीटर के अराउंड पहुंच गए थे, तो फोर्स वालों को भी दिखता है, दूसरे लोगों को भी दिखता है कि इनकी अब स्पिरिट डाउन हो रही है, तो दे वर वेरी सपोर्टिव, वो हमारे लिए चेयर करने लग गए, वहाँ की CRPF के और भी दूसरे जो जवान थे और जो ऑफिसर कंडक्ट करा रहे थे, वो भी हमें बोल रहे थे बकअप बकअप, कम ऑन, हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है, करो, छोड़ो मत, करते रहो। तो दैट केप्ट अस लाइक एटलीस्ट दैट केप्ट मी गोइंग, हेल्प मी। फिर उसके बाद 700 मीटर भी हो गया, लास्ट का 100 मीटर बचा था। उस टाइम तक मेरी हालत
पे काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मैं बस पता नहीं किसी तरह चल रहा था, जॉग कर रहा था किसी तरह से, मेरे को मतलब सही में आसपास का भी ऐसा कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था कि वो कह रहे हैं। मैं बस लास्ट के लेग पे देख रहा था, वहाँ पर ऑफिसर खड़े हैं जो टाइम देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि कम ऑन टाइम बचा है, आ जाओ। ज़्यादा टाइम नहीं बचा था बट थोड़ा बहुत बचा था। तो और क्या हुआ कि मैं चल रहा हूँ, मेरी एनर्जी इतनी कम हो चुकी थी कि मेरे पैर लड़खड़ाने लग गए। और मैंने क्या उस टाइम ना थोड़ा ज़्यादा स्मार्टनेस करने की कोशिश करी। मैंने सोचा कि बिल्कुल जो इंटरनल इंटरनल उसका ट्रैक का पैरामीटर है, वहाँ पर एक रेल लगी हुई थी, स्टील की मतलब छोटी सी रेल लगी हुई थी एज अ बॉर्डर। तो मैं उसके बिल्कुल पास चल रहा था कि मुझे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े। तो क्या हुआ, जब लास्ट में मैं चल रहा था, मेरे पैर लड़खड़ाने लग गए तो मेरा पैर उस रेल पे ट्रिप कर गया और मैं इम्बैलेंस हो गया, मतलब गिरते गिरते मैं बचा जस्ट, ठीक है। बट मेरा पैर मुड़ गया था और मेरे को दर्द होना शुरू हो गया। बट समहाउ लास्ट के फिर जो 50 मीटर्स है वो समहाउ मैंने लंगड़ा के मैंने टाइम में कर लिया, जस्ट इन टाइम मैंने कर लिया पूरा। आई फेल्ट रियली हैप्पी, आई फेल्ट कि मैंने कुछ आज बड़ा अचीव कर लिया है। बट एट द सेम टाइम मेरे पैर में बहुत दर्द होने लग गया था। तो मैं बैठा, मेरे को लिटरली जिसे कहते हैं मेरे को दिन में तारे नज़र आने लग गए, लिटरली मेरे को तारे नज़र आ रहे थे क्योंकि धूप भी बहुत थी। मैं लेट गया तो फिर मैंने अपना जब स्पोर्ट्स शू उतारा तो मैंने देखा कि यार ये पैर में मोच आ गई, थोड़ा सा सूजन आने लग गई है, स्वेलिंग आने लग गई है, ठीक है। और फिर जब मैं खड़ा हुआ, मेरे से पैरों पर खड़ा ना हुआ जाए, मेरे से चलने में मेरे को दिक्कत है। तो उसके बाद थी लॉन्ग जंप और लॉन्ग जंप का इवेंट शुरू हो गया, होने वाला था, और मेरे को चलने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा ये लॉन्ग जंप तो मैं पता नहीं कैसे कर पाऊँगा। तो वहाँ पर सीआरपीएफ के कुछ जवान थे जो स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं, पहलवान टाइप, उन्होंने बोला तेरी मोच निकाल देंगे, आ जाओ। मैं चला गया, उन्होंने मेरे पैर पे कुछ ट्विस्ट करा, कुछ देसी नुस्खा जो भी करा होगा, उससे मेरे को बहुत दर्द हुआ। मेरे को लगा कि जैसे पैर टूट ही गया हो मेरा। तो उनके हिसाब से सही हो जाना चाहिए था बट वो सही हुआ नहीं और शायद ख़राब हो गया। तो मैं पैर रख भी नहीं पा रहा था। मेरे को बहुत मोटिवेट करा लोगों ने कि यार कोई बात नहीं, तू बस ट्राई कर, हो जाएगा लॉन्ग जंप, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 3 अटैम्प्ट मिलते हैं लॉन्ग जंप में, एक अटैम्प्ट में मतलब बेस्ट ऑफ 3 काउंट होता है, आपको बस क्वालिफाई करना है, कर ले। बट मेरी इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी कि मैं चल भी नहीं पा रहा था। मुझे ये पता था कि अगर लॉन्ग जंप क्लियर कर लिया तो शॉर्ट पुट मैं कर लूँगा, क्योंकि शॉर्ट पुट मैंने स्कूल में भी करा हुआ है और शॉर्ट पुट हो जाता है, उतनी स्ट्रेंथ थी मेरे में। बट मैं नहीं चल पा रहा था तो देन आई गेव अप, आई क्विट। मैं बोला सर मेरे को गेट तक छुड़वा दो, मैं ऐसे चला भी नहीं जा रहा। बट वहाँ क्या था कि वही सरकारी हिसाब है, ब्यूरोक्रेसी तो वहाँ पर भी है। उन्होंने बोला अभी तो एम्बुलेंस नहीं है, वो 1 घंटे बाद आएगी, अभी कुछ भी नहीं है। तो somehow मैं बाहर तक गया स्टेडियम के, वहाँ पर मेरे को एक रेडी मिल गई, उसने मेरे को थोड़ा आगे तक ड्रॉप करा। फिर मेरे को एक ट्रक मिल गया सीआरपीएफ का, उसने मेरे को मेन गेट तक ड्रॉप करा और फिर मैं वहाँ से अपने घर पहुँचा। तब तक सूजन मेरे पैर की बहुत बढ़ चुकी थी, हॉस्पिटल गया, एक्सरे कराया एंड आई हैड अ फ्रैक्चर, फुल फ्रैक्चर इन माई वन ऑफ द बोन्स ऑफ माई फुट। तो उसके बाद फिर 1 महीना मैं घर पे रहा अपना पैर लेके। एंड या सो दिस वाज माय इंटरेस्टिंग स्टोरी। लर्निंग्स, अगर जो लोग सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन है उनका स्पेशली, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जस्ट गिव इट 1 मंथ, थोड़ा रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ आप वो रेसेस की प्रैक्टिस करो, 100 मीटर्स, 800 मीटर्स, जनरल फिटनेस की प्रैक्टिस करो, यू विल सेल थ्रू, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। डोंट मेक द मिस्टेक दैट आई डिड कि मैंने मे बी अपने आप को ज़्यादा एस्टिमेट कर लिया, या मैंने फिज़िकल एग्जामिनेशन को कम एस्टिमेट कर लिया, या तो यू नो, सो जस्ट नेल इट। एटलीस्ट फिज़िकल पे मत रुको, मेरी तरह इंटरव्यू तक पहुँचो। एंड या होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड देर वर सम लर्निंग्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।